दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शख्स जिसको अगर एक चीज पसंद आ गई तो वो उसे पाने के लिए जी जान लगा देता था, अब चाहे वो कोई राज्य हो या फिर कोई औरत। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज तक कई ऐसे सवाल हैं उसके बारे में जिनके जवाब नहीं मिले हैं, जैसे कि उसके मरने के बाद उसकी सल्तनत का क्या हुआ, अलाउद्दीन के मरने के बाद उसके हरम की महिलाएं और उनकी पत्नी आखिर कहाँ गई, क्या उन्होंने किसी और से शादी कर ली या फिर कोई और राजा उन्हें जीत कर ले गया या फिर उसने ही उन्हें मरवा दिया था। चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। ये सब बातें आपके मन में भी कभी ना कभी जरूर उठती होंगे कि आखिर खिलजी जैसा चालाक और ताकतवर सुल्तान, जिसने औरतों को जीतने के लिए इतनी सारी जंग की, तो आखिर में उसने अपने अंतिम समय में भी अपनी पत्नियों के लिए कुछ ना कुछ सोचकर तो जरूर रखा होगा। लेकिन कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि उसकी पत्नियों ने ही उसे धोखा दे दिया था। जी हाँ, चौंक गए ना, पर ये सच है। पहले इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, चलिए पहले खिलजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास का एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही आसपास के छोटे मोटे राज्य के राजा खुद ही शस्त्र छोड़कर अपने आप हार मान लेते थे। खिलजी जितना ताकतवर था उससे कहीं ज्यादा वो शातिर दिमाग का था। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर के दिन साल 1296 में मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था और उसने अपना शासन दक्षिण भारत के मदुरई तक फैला दिया था। कहा जाता है दोस्तों कि वो पहले मुस्लिम शासक था जिसने अपना राज्य दक्षिण भारत तक फैलाया था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को पाने की में साल 1296 में अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक खुद ही करवाया था। उसको अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर बुलवाना अच्छा लगता था। उसे सिकंदर आय सनी का खिताब भी दिया गया था। वक्त के साथ साथ खिलजी की ताकत बढ़ती चली गई और उसके वफादार भी बढ़ते गए। खिलजी के साम्राज्य में उसके सबसे ज्यादा वफादार जनरल थे मलिक काफूर और खुशरफ खान। दक्षिण भारत में जहाँ खिलजी का बहुत आतंक था, वहाँ के राज्यों में ये दोनों ही लूट मचाया करते थे और वहाँ के जो शासक इनसे हार जाते थे उनसे खिलजी साल का आयकर लिया करता था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी ने जीते जी बहुत सारे मंदिरों और इमारतों को खंडहर करके उनकी जगह मस्जिदें बनवा दी। लेकिन उसके हरम में एक बात खास थी कि उसके हरम में ज्यादातर औरतें हिंदू ही थी। उसका मानना था कि हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। यही कारण था कि उसकी चार शादियों में तीन पत्नियां हिंदू ही थी। उसकी एक बीवी जिसका नाम मल्लिका था, बता दें कि उसके चाचा की लड़की थी। ये शादी उसने अपने फायदे के लिए ही की थी क्योंकि वो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की सल्तनत को हथिया लेना चाहता था और ऐसा ही उसने किया भी था। उसने अपने चाचा को मारकर उसकी ही गद्दी को हथिया लिया था। बता दें कि ये लड़ाई और जीत के तौर पर अलाउद्दीन की पहली सफलता थी। बस इसके बाद तो उसने मुड़कर कभी नहीं देखा। बता दें कि अपने चाचा को मारने के 2 सालों तक उसे कुछ विद्रोहियों का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन वो लगातार उनका मुकाबला करता रहा था। एक एक करके वो हर राज्य से लड़ता चला गया और सब सल्तनत जीतता गया। लेकिन इतना दिमाग होने के बाद भी उसे ये बात कभी समझ नहीं आई थी कि असली गद्दार तो उसके राज्य में ही बैठे थे। जी हाँ, अलाउद्दीन अपने जीवन के अंतिम पलों को मुश्किलों के साथ काट रहा था। तब उसने अपनी पहली पत्नी मल्लिका ए जहां को अपने पास बुलाया और कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम अपनी जिंदगी को रोकर नहीं बल्कि हंसकर काटना। अगर तुम किसी से प्रेम करती हो तो उसके पास चली जाना, क्योंकि अभी तुम जवान और खूबसूरत हो। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है और तुम मेरे वियोग में अगर रोना शुरू करोगी तो अपने जीवन को नहीं जी पाओगी। दोस्तों, ये बातें सुनकर लग रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी कितना नेक दिल था जो कि अपनी बीवी से ही ऐसे बातें बोल रहा था। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके वंश में दूसरा कोई ऐसा नहीं था जो कि उसकी जगह ले सके, और ना ही खिलजी वंश में कोई ऐसा शासक था जो कि अलाउद्दीन के मरने के बाद उसके जैसी ताकत और दिमाग रखता हो। हालांकि अलाउद्दीन के बाद अलाउद्दीन का खास वजीर और उसका प्रेमी मलिक काफूर था, जो कि अलाउद्दीन के बीमार होने पर सारे बड़े फैसले लेने लगा था। अलाउद्दीन इससे इतना ज्यादा प्यार करता था कि मलिक काफूर के हर फैसले को वो अपना फैसला बता देता था। यूं तो अलाउद्दीन के बाद उसकी विरासत और उसके पूरे राज्य को हथियाने का पूरा षड्यंत्र मलिक का ही था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पूरी सल्तनत को ये जरूर पता था कि मलिक काफूर एक ट्रांसजेंडर था जिसे कि 1299 में गुजरात के एक बाजार से खरीदा गया था। दरअसल दोस्तों, 1296 से 1308 के बीच मंगोल लगातार दिल्ली पर अपना कब्जा करने के लिए बार बार अलग अलग शासकों द्वारा हमला करते रहे। अलाउद्दीन ने जालंधर 1296, किली 1299, अमरोहा 1305 एवं रवि 1306 की लड़ाई में मंगोलियों के खिलाफ सफलता प्राप्त की थी। बहुत सारे मंगोल दिल्ली के आसपास ही बस गए और इस्लाम धर्म को अपना लिया। इन्हें नए मुसलमान कहा गया। खिलजी को उन पर विश्वास नहीं था, वो इसे मंगोलियों की एक साजिश का हिस्सा मानता था। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए खिलजी ने 1298
घंटे में एक दिन उन सभी मंगोलियों को लगभग 30,000 के तादाद में थे मार डाला, जिसके बाद उन सभी की पत्नी और बच्चों को अपना गुलाम बना लिया। 1299 में खिलजी को पहली बड़ी जीत गुजरात में मिली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के राजा ने अपने दो बड़े जनरल उलुग खान और नुसरत खान को अलाउद्दीन के समस्त प्रकट किया था और बस वहीं से मालिक काफूर अलाउद्दीन का वफादार बन गया था। इतना ही नहीं, वो एक हिंदू ब्राह्मण था जिसकी वजह से अलाउद्दीन के वजीर उससे चिढ़ते थे और इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के वजीरों ने ये पहले ही तय कर लिया था कि वे लोग मालिक काफूर को सुल्तान कभी नहीं बनने देंगे और बस इसलिए ही वो सभी एक साथ आ गए थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन मालिक काफूर के पीछे पागल था और जब वो दक्षिण भारत के दौरे पर था तो अलाउद्दीन उसके लिए रोया करता था। वो अपनी बीवियों के साथ भी नहीं रहता था और इसी वजह से आखिर में उसकी बीवियों ने भी उसे छोड़ दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अलाउद्दीन ये चाहता था कि उसके बाद मालिक काफूर ही खिलजी साम्राज्य का शासक बने, क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर था जिससे उसकी बीवियों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। और जब खिलजी ने मालिक काफूर को वजीर बनाया था तब से उसका एक ही सपना था कि उसे भारत को जीतना है, लेकिन उसमें मालिक काफूर ने खिलजी का बहुत साथ दिया था। लेकिन जब खिलजी ने इस बारे में अपने वजीरों से बात की तो सबने इस बात का विरोध किया था, तो उसके पूरे वजीरों ने कहकर मना कर दिया कि भले ही वो कितना भी वफादार हो पर है तो वो हिंदू ब्राह्मण ही, और क्या पता कभी मालिक काफूर ने धोखे से सबको मारने की कोशिश की। तो तब खिलजी ने कहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तब खिलजी को उसके वजीरों ने समझाया कि अगर उसने धोखे से रानियों को मारने की कोशिश की तो। हालांकि इसके कुछ समय बाद ही ये खबर आई कि खिलजी की मौत हो गई है। जी दोस्तों, जनवरी 1316 में 50 साल की उम्र में खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इतिहास के मुताबिक कहीं माना जाता है कि खिलजी की मौत बीमारी से हुई थी, तो वहीं कहीं ये माना जाता है कि लेफ्टिनेंट मलिक नायब ने उसकी हत्या की थी। इसके बाद जितने भी वजीर थे वो सब महल में आए और उन सभी के साथ मालिक काफूर भी महल में आया, और खिलजी को दफनाने के बाद ही मालिक काफूर ने ऐलान कर दिया कि वो कल सुबह से सूरज उगते के साथ ही गद्दी पर बैठेगा। ये सुनकर सभी वजीरों में अफरा तफरी मच गई और सभी वजीरों ने मिलकर रात में कुछ सैनिकों के साथ मालिक काफूर पर हमला करवा दिया और उसे जान से मरवा दिया। वहीं दोस्तों कहा यह भी जाता है कि खिलजी का असली दुश्मन मालिक काफूर ही था, जिसने उसके दोनों नाकारा बेटों की खिलजी के बाद आंखें फोड़वा दी थी। दोस्तों ये वो समय था जब महल पर किसी का शासन नहीं था और कोई कुछ भी कर सकता था। उस वक्त वजीरों ने देखा कि महल के बुड्ढे हकीम जो कि रानियों को दवा दिया करते थे वो खिलजी की रानियों के साथ थे। खिलजी को ये डर हमेशा से था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पीछे से लोग उसके राज्य पर हमला कर दें और उसकी रानियों को बंदी बना लें, लेकिन यहाँ तो उसी के राज्य के लोग उसे धोखा दे रहे थे। दोस्तों खिलजी एक ऐसा राजा था जिसने किसी औरत को नहीं छोड़ा था। उसके रास्ते में जो औरत आती वो उसके साथ गलत काम करता था। एक बार उसने एक बच्ची के साथ भी गलत काम करके उसकी माँ के सामने हत्या कर दी थी और फिर उसकी माँ ने उसे श्राप दे दिया था। कहते हैं उसी वजह से खिलजी अपने आखिरी दिनों में कई तरह की बीमारियों से घिर गया था। खिलजी के मरते ही जो लोग ये समझ गए थे कि अब इस वंश का अंत होना तय है वो लोग कुछ जमीन और कुछ सोना चांदी लेकर अलग हो गए थे, लेकिन कुछ वजीर उसकी हरम की रानियों में ही उलझ गए थे और बस इस तरह से खिलजी वंश का खात्मा हो गया। एक एक करके सभी लोग बीमारियों से उलझते चले गए और धीरे धीरे सभी का अंत होता गया। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी पर खिलजी की मौत के सिर्फ 4 साल बाद ही पूरा खिलजी वंश तबाह हो गया था और जो कुछ भी बचा कुचा था उसको गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण करके जीत लिया, जिसकी वजह से तुगलक वंश का राज्य शुरू हुआ और खिलजी वंश का अंत हुआ। दोस्तों आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।